नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूँ अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो है टीजीटी बायोलॉजी का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है रिक्सिया। तो दोस्तों, रिक्सिया के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर काफ़ी हम ब्रॉडर सेंस में यूज़ करते हैं, इसलिए हमने अपनी वीडियो को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट वन में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं जो आपको रिक्सिया में देखने को मिलते हैं और जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें, जो कि आपके नॉलेज को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की बॉटनी सेक्शन की और भी ज़्यादा वीडियो हैं जो चाहते हैं तो आपको सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल सकती हैं। तो आप हमारी बॉटनी की प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को देख लें जो भी आपके टीजीटी बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया। लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप ब्रॉडर सेंस में यूज़ करते हैं तो उसके पहले आपको एक जनरल सी जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे रिक्सिया के रिस्पेक्ट में वी हैव टू नो अबाउट अ टैक्सोनॉमिक पोजीशन या फिर सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ रिक्सिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर नहीं आते लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि जो डिवीजन है रिक्सिया का वो क्या है। ठीक है, या फिर आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट अ टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ रिक्सिया। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिक्सिया का जो किंगडम है गाइज वो है प्लांटे। प्लांटे जिसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो भी प्लांटे किंगडम के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, सब किंगडम है इसका क्रिप्टोगैमी। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर फ्लावर नहीं लगता। डिवीजन देखिए, डिवीजन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मीन्स ट्रू रूट्स और ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि जितने भी ब्रायोफाइट्स आपको मिलेंगे दे डोंट हैव ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स के प्रेजेंस एब्सेंस में उनके पास राइजोइड्स होते हैं जिनका फंक्शन आप आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म आया है ट्रू वैस्कुलर बंडल, तो गाइज यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि वैस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पर वो तीनों ही स्ट्रक्चर आपको एब्सेंट मिलते हैं। क्लास की बात करी जाए तो रिक्सिया का जो क्लास है वो हिपेटोक्टोप्सिडा। ठीक है, हिपेटोक्टोप्सिडा गैमेटोफाइट का जो है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी कि जितने भी हिपेटोक्टोप्सिडा के क्लास के मेंबर्स होते हैं वो सभी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। ये जो टर्म आप देख रहे हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है गाइस कि ऐसे प्लांट्स जिनका डोर्सल और वेंट्रल, यानी कि अगर आप देहाती या ठेठ भाषा में कहें तो जिसका पेट और पीठ यानी कि डोर्सल और वेंट्रल दोनों सेक्शन प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, सेकंड देखिए ऑर्डर है इसका, ऑर्डर है मार्केंशियल्स। मार्केंशियल मीन्स थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डाइकोटोमसली मीन्स होता है कि अपर और लोअर यानी कि डोर्सल और वेंट्रल जो सेक्शन होते हैं दे आर डिफरेंट इन कलर्स। फैमिली है इसकी रिक्सिएसी। रिक्सिएसी का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है इनके अंदर एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मिड डॉर्सल ग्रूव के पास। ठीक है, यानी कि जो ग्रूव क्या होता है और मिड डॉर्सल रीजन क्या है ये हम आपको अभी आगे चल कर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है यहाँ पे वो कैप्सूल के फॉर्म में नजर आता है। तो ये जो थी गाइज, ये हमने बात करा अभी टेक्सोनॉमिक या फिर सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ रिक्सिया के बारे में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें डिस्कस किया है दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर जो है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रिक्सिया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रहा है एक्सटर्नल फीचर्स। व्हाट डज इट मीन? एक्सटर्नल फीचर्स मीन्स होता है ऐसे फीचर्स जो कि
किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है, वो स्पेशल फीचर्स। तो आज हम उन स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ जो पहला नोटिसेबल फीचर है, दैट इज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज अ थैलॉइड। अच्छा, यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो ना, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स होता है ऐसा, फाइटिक मीन्स होता है प्लांट, ठीक है। ऐसा प्लांट जहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होती है ना, वो कैसा होता है, थैलॉइड यानी कि थैलो शेप्ड होता है, ठीक है। प्रोस्ट्रेट, लीनियर और रिबन शेप्ड होता है इसका स्ट्रक्चर, और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपको देखने में कुछ चपाती टाइप का नज़र आएगा अगर आप ऊपर से देखते हो, ठीक है, क्योंकि डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सर्फेसिस यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो एक लीनियर वे में ये अरेंज होते हैं, ठीक है। थैलस लाइक बॉडी है और ये प्रोस्ट्रेट होते हैं, यानी कि बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ आई होंगी। तो इसका अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, रिबन शेप्ड होता है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है रिबन शेप्ड, ठीक है। फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। लीनियर बॉडी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको रिक्सिया में देखने को मिलेंगे। सेकेंड है, इट इज़ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड ग्रीन टू लाइट ग्रीन इन कलर, यानी कि इनकी जो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस होती है, दीज बोथ सरफेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पे अगर एक सरफेस आपको ग्रीन नज़र आएगी तो दूसरी सरफेस जो होती है वो डाइट जो वो लाइट ग्रीन इन कलर होती है, और इसीलिए इसे डाइकोटोमसली ब्रांच कहा जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है थैलस। तो इसका जो थैलस होता है गाइस, वो मिडल सेक्शन जो होता है उसका थिक होता है, और जो आउटर सेक्शन होता है दैट इज़ थिनर एज़ कम्पेयर टू इनर सेक्शन। जैसे अगर आप ये देखें पूरा ये स्ट्रक्चर रिक्सिया का, यहाँ देखिए, अगर ये पूरा रिक्सिया का स्ट्रक्चर है तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, ये सेंट्रल वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू आउटर पोर्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एपिकल नॉच इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पोजिशन ऑफ थैलस, यानी जो थैलस होता है इसको बिल्कुल बीच में, ये जो आप देख रहे हैं ना डिप्रेशन या धसा टाइप का, वैली टाइप का, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसे आप एपिकल नॉच के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दो सर्फेसिस आपको नज़र आएंगी, ठीक है, पहली होती है वेंट्रल और दूसरी होती है डॉर्सल, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ऊपर का स्ट्रक्चर जो आपको विजिबल है, दिस इज़ कॉल्ड डॉर्सल स्ट्रक्चर, और नीचे का जो स्ट्रक्चर जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं ना, वो आपका कहलाएगा वेंट्रल सेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरल सी चीज़ें थी। तो अब हम उस सेक्शन की तरफ आते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, कि एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फरो प्रेजेंट होता है या डिप्रेशन प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस पे, यानी जो डॉर्सल सरफेस है गाइस, वहाँ पे आपको कुछ धंसा हुआ या दबाव सा नज़र आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल फरो। कैसे नज़र आएगा, अगर आप ऊपर से देखें तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, ये जो सेक्शन है बीच वाला है थोड़ा सा धंसा हुआ नज़र आता है, इसलिए इसको डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। सिक्स पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ऑन दिस सर्फेस, यानी कि जो सर्फेस आपको नज़र आ रही है यहीं पे भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम, अभी तो हमने डॉर्सल सरफेस की बात करी ना, यहाँ से फिफ्थ नंबर पॉइंट से, अब हम बात करेंगे वेंट्रल सरफेस के बारे में। तो वेंट्रल सरफेस कैसा होता है गाइस, वेंट्रल सरफेस अगर आप देखें कुछ इस प्रकार से, अगर इससे नज़र आता है तो ये जो है आपका डॉर्सल सेक्शन है, और ये जो नीचे वाला है इसे आप वेंट्रल सेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो कैसे समझेंगे आप डॉर्सल और वेंट्रल, कल आपने कछुआ देखा है तो ये कछुए के पैर हैं या कछुए का मुंह है, ठीक है। तो ये जो उसकी पीठ है ये क्या कहलाएगी, डॉर्सल, और नीचे का जो सेक्शन है वो कहलाएगा वेंट्रल, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए वेंट्रल सरफेस में क्या आपको नोटिसेबल फीचर्स नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको स्केल्स और राइजॉइड्स नज़र आएंगे, यानी कि इनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पे स्केल्स एंड राइजॉइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। स्केल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है या स्केल्स क्या होते हैं, तो लेट अस सी। स्केल्स आर जनरली प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स इन वन रो एंड नियर द ग्रोइंग पॉइंट्स, यानी ये जो आप इस तरह का सेक्शन देखते हैं ऐसा, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएंगे, ठीक है। ये होते हैं स्केल्स, ठीक। स्केल्स जो होते हैं उनका कलर गहरा वॉयलेट कलर का होता है, जैसे आप ये ग्रीन टू लाइट ग्रीन कलर का देखते हैं ना, इसी के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना स्केल्स, ये होगा पर्पल कलर का, लाइट कलर का या बैंगनी कलर का, ठीक है। तीनों एक ही कलर होते हैं, इससे कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। लास्ट देखिए फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है स्केल्स का टू प्रोटेक्ट द यंग ग्रोइंग पॉइंट्स, यानी यहाँ पे जो नए नए पॉइंट्स देखें, यहाँ से जैसे अगर नया नया
जो पॉइंट्स है जर्मिनेटिंग पॉइंट, नए नए बर्ड के प्रोडक्शन का जो पॉइंट होता है ना, इनको प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, स्केल्स का। यानी कि स्केल्स के नीचे से ही नए बर्ड का जो है वो जर्मिनेशन होता है। तो मेरे ख्याल से इतना जो पॉइंट है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। स्केल्स क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे दिखते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में, ये स्केल्स होते हैं। यहाँ पर आपको डार्क कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए इस इमेज में आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आएंगे। ये जो सी नंबर फिगर है आपका, यहाँ पे आप स्केल्स को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब बात करते हैं हम राइजॉइड्स की, ठीक है। तो राइजॉइड्स होते क्या है गाइस, तो राइजॉइड्स रिजेंबल्स टू रूट। जैसे प्लांट्स में रूट का फंक्शन होता है, सिमिलरली वही फंक्शन आपको यहाँ राइजॉइड्स के केस में नजर आएगा। दैट मीन्स कि राइजॉइड्स हैविंग द फंक्शन टू अब्जॉर्ब वाटर एंड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि राइजॉइड्स जो होते हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और फिक्सेशन का यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जैसे कि जड़ें करती हैं, ठीक है। एक चीज़ और जहाँ से आपका क्वेश्चन देखिए यहीं से बनते हैं कि जो राइजॉइड्स होती हैं रिक्सिया में वो कितने टाइप्स की पाई जाती हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइजॉइड्स फाउंड इन रिक्सिया। पहला होता है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स, ठीक है। दोनों के बीच में अंतर क्या होता है चलिए हम देखते हैं। स्मूथ वॉल्ड जो होती है वो अंदर से भी बिल्कुल स्मूथ होती है, कुछ इस प्रकार की, ठीक है। यानी कि अंदर और बाहर कोई भी आपको आउटग्रोथ नज़र नहीं आएगी, रफनेस नहीं नज़र आएगी, ठीक है, रफनेस बिल्कुल नहीं नज़र आएगी, इसलिए इसका नाम स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड पड़ा है। ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, यानी कि एक एक सेल्स के द्वारा बनी होती है, यूनिसेलुलर लेयर के द्वारा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फाइन हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है स्मूथ राइजॉइड्स का, ठीक है, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स का। लेकिन जो सेकेंड टाइप की होती है दैट इज़ ट्यूबरकुलेट राइजॉइड, ठीक है। इस जो राइजॉइड की खासियत क्या होती है कि अंदर की तरफ इसमें पैग लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कांटे नुमा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अंदर की तरफ ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कहलाएगा रफ, ठीक है, रफ या फिर ट्यूबरकुलेट राइजॉइड आप कह सकते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से जो दोनों टाइप के राइजॉइड है वो आपको क्लियर हुए होंगे। अब राइजॉइड के फंक्शन के बारे में देखिए लिखा गया है, तो राइजॉइड का जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका, तो क्योंकि आपको पता है ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स नीड्स लॉट ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेट और टू ग्रो, तो यहाँ पे जो राइजॉइड का फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मॉइस्चर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने जनरल फीचर्स पढ़े जो आपको सारे रिक्सिया के अंदर नज़र आएगा, लेकिन जो स्पीशीज़ होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये तो आपने वो फीचर देखे जो आपको नेकेड आईज से दिख जाएंगे, ठीक है। अब हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है रिक्सिया का वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा होता है स्टोरेज रीजन। ये सब क्या होते हैं चले उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में। तो नाम से ही पता है ये वो रीजन होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, क्योंकि रिक्सिया क्या है, ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स, इसीलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए फोटोसिंथेटिक रीजन का। चलिए पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि फोटोसिंथेटिक रीजन दिखता कैसा है। तो ये जो अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, ये जो बोल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कहलाएगा आपका फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है। इसके ठीक नीचे ये जो आपका नज़र आ रहा है ये वाला रीजन जो आपको ग्रीन कलर शेडेड नज़र आ रहा है, ये कहलाएगा आपका स्टोरेज रीजन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं क्लियरली कि आपका कौन सा रीजन है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं। तो पहले हम जानेंगे फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में। तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ये अपर और डॉर्सल सरफेस पे, यानी कि जो पीठ वाला हिस्सा होता है ना रिक्सिया का, डॉर्सल सरफेस, यहीं पर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि ये ग्रीन लूज टिश्यूज के द्वारा बने हुए होते हैं और इसीलिए इसे एसिमिलेटरी रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का लेन देन होना। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो रिक्सिया की अपर सरफेस है वो लूज ग्रीन टिश्यूज द्वारा बनी हुई होती है और इसीलिए इसे एसिमिलेटरी रीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
इसकी जो लेयर होती है फोटोसिंथेटिक रीजन की, वो कई सारे एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो एयर चैम्बर्स होते हैं वो वन सेल्ड थिक होते हैं और वर्टिकल रोज ऑफ क्लोरोफिल सेल्स के द्वारा बने हुए होते हैं, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से चैम्बर्स नज़र आएंगे, ठीक है, चैम्बर्स इस प्रकार के रिक्सिया के अंदर। और ये जो आपको है खाली जगह दिखाई देगी तो ये क्या होता है, एयर चैम्बर्स। और ये जो आपको रोज़ ये जो सेल्स नज़र आ रही हैं, ये कौन सी सेल्स है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये सेल्स जो होती हैं वो वर्टिकली अरेंज होती हैं और इनमें कई सारे डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी हमने जिन सेल्स की बात करी कि जिनके बीच में क्या होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, उन्हीं सेल्स के अंदर डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं कई सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 4 कि जो वर्टिकल रोज होती हैं उनके बीच में कुछ एयर चैम्बर्स नज़र आते हैं। कैसे एयर चैम्बर्स, जो हमने अभी आपसे डिस्कस किए, देखिए ये सेल का ग्रुप है, ठीक है। इन सेल्स के बीच में आपको ये जो गैप नज़र आ रहा है इसे ही हम एयर चैम्बर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपर मोस्ट सेल ऑफ दीज रोज आर प्रेजेंट एयर स्पेसेस और एयर चैम्बर्स रिमेन डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दस फॉर्म अ हाई लीन डिसकंटिन्यूस लेयर ऑफ एपिडर्मिस, यानी जो आपको अपर लेयर यहाँ पे नज़र आएगी ये वाली लेयर, ठीक है। इस लेयर के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इसके नीचे की आप ये जो सारी सेल्स देख रहे हैं ना, सिर्फ ये सेल के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं, बाकी नीचे की जो सेल्स होती हैं इनके अंदर कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता। देर इज़ नो एनी पिगमेंट फाउंड इन दीज लोअर रीजन्स, और इसीलिए ये हाई लाइन डिसकंटिन्यूस लेयर होती है या कहलाती है। डिसकंटिन्यूस क्यों, क्योंकि ये सेल है फिर इसके बीच में एयर गैप है, फिर ये सेल का गुच्छा है फिर ये एयर गैप है। तो इस तरीके से देखिए, दूसरे कलर से देखिए, ये देखिए ये आपका है एयर गैप, ठीक है। देखिए ये अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। ये देखिए ये क्या है आपका, फोटोसिंथेटिक रीजन की जो सेल्स हैं, फोटो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल या अपर रीजन में, नीचे कोई कलर नहीं है और जो एयर गैप है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा या एयर चैम्बर, ठीक है। और इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूस लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6 की जो अपर एपिडर्मिस होता है वो ब्रोकन होता है कई सारे, देखिए जो अपर एपिडर्मिस है ना इनमें कई सारे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है जैसे कि फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा के अंदर होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, अब तक तो हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम, अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेटिक रीजन क्या है वो, इधर इसके बारे में हमने पढ़ा अभी, ठीक है। अब जो है हम सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया, तो वो क्या है, स्टोरेज चैम्बर, इस वाले हिस्से के बारे में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखें, स्टोरेज रीजन जो होता है वो वेंट्रल सरफेस यानी कि लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमने अभी ठेठ भाषा में टर्म कहा था ना, पेट की तरफ, तो पेट की तरफ यानी कि वेंट्रल या फिर जो लोअर रीजन है वहीं पे प्रेजेंट होता है स्टोरेज रीजन, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है, तो कलरलेस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस की अपर जो लेयर होती है, जो आप यहाँ गोल गोल देख रहे हैं ना, ये क्या होती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग। लेकिन स्टोरेज रीजन की जो सारी सेल्स होती हैं ये कलरलेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड पैरेन्काइमेटस, यानी यहाँ पे जितने भी सेल्स आप देख रहे हैं ना वो क्लोजली पैक्ड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बीच में कोई एयर गैप नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक रीजन में एयर गैप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से टिश्यूज़ के बने होते हैं, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा बने हुए होते हैं, रिक्सिया के स्टोरेज रीजंस, ठीक है। तो इतना जो है गाइज वो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा और यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके गाइस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आप अपने, जब भी आप इत्मीनान से बैठे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टोरेज रीजन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो स्टोरेज रीजन है, नाम से ही है क्लियर कि स्टोरेज रीजन यानी जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे स्टोर क्या होता है,
ठीक है। तो स्टोरेज रीजन में गाइस स्टार्च स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, स्टार्च, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाती हैं और सेल्स जो होती है क्लोजली पैक्ड होती है, और इन सेल्स के अंदर क्या स्टोर होता है, स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोअर मोस्ट सेल्स होती हैं वो एक रेगुलर एपिडर्मिस का क्रिएशन करती हैं जो कि स्केल्स और राइजॉइड्स के बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो लोअर एपिडर्मिस रीजन है वो लगातार सेल्स के द्वारा, कंटिन्यूस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, और इसीलिए इससे स्केल्स या फिर राइजॉइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए स्केल्स आर प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ द थैलस, यानी कि जो थैलस होता है, मार्जिन का जो मार्जिन का जो थैलस है, सॉरी थैलस का जो मार्जिन है, कुछ इस प्रकार से देखिए, जो थैलस है और ये जो उसके मार्जिन्स है, जहाँ पे हमने डिप्रेशन कहा था, ये डिप्रेशन थोड़ा सा धसा हुआ एरिया पाया जाता है, तो यहीं पर स्टोरेज, यहीं पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइजॉइड्स के लिए भी फॉर्मेशन आपको यहीं लोअर सेक्शन से नज़र आती है, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्केल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, नीचे जो लोअर ग्रूव होता है जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आता है। स्केल्स का फंक्शन क्या होता है, स्केल का फंक्शन होता है नई बर्ड्स जो जर्मिनेट कर रही होती है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट देखिए, तो लास्ट पॉइंट है इसका, स्टोरेज रीजन जो है वो क्या स्टोर करता है, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल मीन्स स्टार्च स्टोर करता है, ठीक है। और क्या स्टोर करता है, और स्टोर करता है वाटर, ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स कहाँ फॉर्म होते हैं, थैलस के, ब्रायोफाइट्स का जो थैलस है कहाँ पे फॉर्म होता है, मॉइस्चर वाले एरिया में ना, इसलिए यहाँ पे पानी और जो फूड मटेरियल है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है, स्टोरेज रीजन में। तो मेरे ख्याल से आपको फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन के बीच में जो डिफरेंस है ना वो क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि जो हैबिटेट होता है ना रिक्सिया का वो कैसा होता है। तो चलिए देखिए, जो हैबिटेट होता है रिक्सिया का, क्योंकि रिक्सिया क्या होता है, फ्लोटिंग वे में पानी के जो नीचे सरफेस हैं उन पे पाया जाता है, ठीक। थैलस इसका रिबन लाइक होता है और एक डाइकोटोमस टाइप ब्रांचिंग नज़र आती है, यानी कि दो डिफरेंट कलर्स की जो ब्रांचिंग है वो नज़र आएगी। स्केल्स और राइजॉइड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं डॉर्सल सरफेस पे, जबकि वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया होता है, जब वो मड या पॉन्ड के कांटेक्ट में आता है तो वहीं से इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस नज़र आएगी, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब अपना हम अपना थर्ड पार्ट जो है वीडियो का उसे डिस्कस करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पे जो हमारी वीडियो है, यानी कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया, उसे ख़त्म करते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है आप सोशल मीडिया में जो हमारा पेज है टारगेट एट वन का, उसके साथ में अटैच हो सकते हो, और फिर भी आपको कोई डाउट फिर भी आपको महसूस होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो हमसे। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं हम आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल या फिर सेक्स ऑर्गन्स ऑफ रिक्सिया। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, बाय बाय।